एक बार समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग के? मुंह में पान भर के समझाएंगे तो कैसे समझ आएगा? चुप, मार मार के बंदर बना दूंगा, समझे? जी हाँ। ए, सुनो, तुम जाओ जाके कपड़े धो, और तुम जाओ जाकर के कमरा साफ करो। अबे तू कल फेनाइल गिराया था, तू जाकर जन्ने जा, और तू जाकर के चाटू पान लिया जा, और टल्लू तू आकर सर दबा। सर कल दबा था, गला दबा दू। हाँ, क्या क्या बोला? दबाता। अरे यार, इतने लोग आते हैं, कोई तुझे गोद ले जाए तो मेरा पीछा छूटे। शुक्ला जी, इधर कितने लोग आते हैं बच्चा लेने, तुम्हें क्यों नहीं ले जाता? हम सबका पीछा छूटे। क्या बोल रहे तुम? कुछ नहीं। ठीक है बेटा, आने दे, पहला कस्टमर आएगा ना तो तुझे डिस्पैच करता हूँ मैं। पता नहीं कौन होगा जो मुझे इधर से बेटा बना के ले जाएगा। अरे घबरा मत टिल्लू बेटा, तेरे माँ बाप अब तक तो पैदा हो ही गए होंगे। आने दे, भेजता हूँ तेरे को। देख मंथरा, बस तू बोलना मत, जिस बच्चे पे मैं हाथ रख दू ना वही बच्चा उठा लेना। जी। फिर बोली, मैंने तेरे को बोलने के लिए मना किया ना? अच्छा अच्छा, नहीं बोलूंगी। यही तो प्रॉब्लम है तुम औरतों का, तुम चुप नहीं रह सकती बस। हाँ जी, कहिए। जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल ढाका है। बांग्लादेशी है क्या? स्वदेशी हूँ। हमें लगा विदेशी है। कहिए, क्या काम है? अपनी बीवी को गोद देने के लिए आया हूँ। अरे पागल है क्या, हम किसकी गोद में आएंगे? और हमारे यहाँ इंसान का बच्चा ही गोद लिया या दिया जाता है। हाँ, तो इंसान का बच्चा ही गोद लेने के लिए आया। अरे आप तो बोल रहे थे बीवी को गोद देना। अरे बताइए, बड़े अजीब आदमी, ये कोई जवाब है? तो वो कोई सवाल था क्या कि यहाँ क्या करना है? तो और क्या, अनाथालय में आदमी क्या करने के लिए आता है भाई? बच्चे को गोद लेने के लिए ही तो आता है। तो सीधे सीधे नहीं बता सकते थे? तो अब तो बता रहा हूँ, अब बोलो। हम क्या बोले? तो और कौन बोलेगा? उषा जी। ये कौन है? वो यहाँ की बच्चा देऊ ऑफिसर है, उनसे मिलो। तो मिलवा दो। हम मिलवाएं? तो और कौन मिलवाएगा? हम क्यों मिलवाएं? अरे भाई तुम पियो ना, तो तुम ही तो मिलवाओगे। उसके लिए पहले आपको हमसे मिलना पड़ेगा। तो मिल तो रहा हूँ, क्या गले मिल लूँ? नहीं, गले नहीं, हाथ मिला लो, वही काफी है। लो भाई हाथ मिला। मैं ऐसे हाथ नहीं मिला रहा। तो अरे चाय पानी पिलाओ, बच्चा गोद लेने आए हो, शुभ कार्य है, शुभारंभ करो। अच्छा, पैसे मांग रहे हो? हाँ। अरे अभी घुसे नहीं है, हम पहले से पैसे मांग रहे हो? मैं घुसने पे ही मांगता हूँ पैसे, निकलने पे कोई नहीं देता। अच्छा चलो ठीक है भाई, दे देता हूँ तुम्हें। क्या याद रख, ये 10 रुपए मिला हाथ। मैं छोटे आदमी से हाथ नहीं मिला था। मैं छोटा आदमी हूँ? अरे जो आदमी 10 रुपए में हाथ मिलाएगा वो छोटा नहीं खोटा भी होगा। तो कितने दे दूँ? 50 रुपए दो। पढ़े लिखे आदमी लगते हो देखने में। नहीं नहीं, पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। नहीं भाई मैं हूँ। साबित करो। कैसे साबित होगा? 50 रुपए दे के। ये लो 50 रुपए। अब पहले ये बताओ कि साबित हो गया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ? हाँ साबित हो गया। अब आइए, उषा जी से मिलवाता हूँ। चलो। उषा जी। क्या है पांडे जी? क्लाइंट आया मैडम। क्लाइंट? ये बच्चा गोद लेना है। ये मुझसे दिला जी। हाँ मंथरा बैठो। बैठिए। बैठ गई? बोलिए जी। मेरा नाम मुसद्दीलाल ढाका है, ये मेरी पत्नी है मंथरा ढाका, हमें एक बच्चा गोद लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमने कईयों की गोद बच्चों से हरी कर दी है, आपकी भी भर देंगे, बस ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म? हाँ। ये भरने के लिए कह रहे हैं मंथरा? हाँ भर लो ना। तो ठीक है मैं भरता हूँ, तुम बताती जाना क्या क्या भरना है। जी। हा? सबसे पहले लिखा है नाम। किसका? नाम किसका मैडम? तुम्हारा और किसका? मेरा नाम कह रहे हैं। हाँ? मुसद्दीलाल ढाका। आगे लिखा है पता। किसका? पता किसका मैडम? तुम्हारा और किसका? मेरा पता कह रहे हैं। 225 बर्फ वाली गली के पीछे। और आगे ये धंधा, धंधा किसका मैडम? क्या किसका किसका लगा रखा है? मतलब धंधा किसका, मेरा या मेरी बीवी का? तुम्हारी बीवी धंधा करती है? मेरी क्या बात कर रही है मैडम? अभी तो आपने कहा कि धंधा किसका, मेरा या बीवी का? देखिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा भाई, आप ही भरवा दीजिए। ओफो, आप मुझे ये काम भी नहीं करने देते, मुझे स्वेटर बुनना है ना। तो वो तो ये मंथरा बुन देगी। एक उल्टा एक सीधा। हाँ जी। हाँ देखो आप, ये हो गया, ये हो गया। अरे उम्र? उम्र किसकी? दोनों की। दोनों? इसकी 36 है, मेरी 40 है। ओके, तुमने धंधा नहीं लिखा। अब ये मत पूछो किसका। नहीं वो तो पता है मुझे, भाई चप्पल बेचता हूँ। अब बोलिए बच्चा चाहिए बच्ची? बच्चा। कोई खास वजह? हाँ वो हमारा नौकर है ना, वो भाग दौड़ कर रहा था, परेशान थे हम लोग, लेकिन किसी भी अनाथालय में बच्चा मिल नहीं रहा था। देखिए हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है, इस वजह से हमें बच्चा ही चाहिए। बच्ची नहीं चलेगी, वो ले लो। तो आप हमसे ले लीजिए, 3-3 है हमारे पास और चौथी आने वाली है। हाँ अच्छा ये बताओ कहाँ तक पढ़े हो? वो क्यों? नहीं हमें पता होना चाहिए ना कि गोद लेने वाले माँ बाप पढ़े लिखे है कि नहीं, बच्चे को आगे शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं। वैसे तो हम दोनों पढ़े लिखे हैं। कितनी क्लास तक? 18 क्लास तक। हैं? ये कौन सी क्लास है? ये क्या है कि ये 10 जमात पढ़ी है, मैं 8 जमात पढ़ा हूँ, तो दोनों मिला के 18 जमात पढ़े लिखे हो गए। मतलब बच्चा अनपढ़ रहेगा? जी।
क्या? आप देखिए मैडम, बच्चे ने वहाँ चप्पल की दुकान पे ही तो बैठना है, लेकिन हम प्यार बहुत देंगे उसे, क्यों मंथरा जी? अच्छा ये बताइए कि बच्चा कैसा चाहिए? कैसा भी चलेगा, हमें कोई आचार तो डालना नहीं है। मतलब बच्चे की शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं आपको? देखिए मतलब तो है, अच्छा होगा तो अच्छा है, अच्छा नहीं होगा तो भी बुरा नहीं है। हाँ। हमें तो अपना वंश आगे बढ़ाना है ना। वैसे भी बच्चा भगवान का रूप होता है, तो भगवान जिस रूप में भी मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, क्यों मंथरा जी? मैं कह रही हूँ तुम सिर्फ जी ही कहो और उसके बाद से स्वेटर बुनो भाई। चलिए आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, ये ले जाके पटेल जी के पास दे दो। पटेल बच्चे देता है? मैं बच्चे देता हूँ ऐसा लगता है आपको? नहीं आप यहाँ बैठते हैं तो बच्चे तो देते होंगे ही। ओ भाई साहब, आप भी कहीं ना कहीं तो बैठते हैं ना, तो क्या आप बच्चे देते हैं? मैं कैसे दे सकता हूँ? तो मैं भी कैसे दे सकता हूँ? नहीं आप दे सकते हैं। तो आप क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास बच्चे कहाँ है? तो मेरे पास है। नहीं होंगे। होंगे क्या, दिखता है आपको है मेरे पास? नहीं अंदर होंगे ना। अंदर? नहीं नहीं वहाँ अंदर नहीं। तो और कितने अंदर? नहीं नहीं अंदर मतलब अनाथालय के कमरों में तो होंगे ना। हाँ मगर वो तो अनाथालय के बच्चे है ना। तो मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, मतलब आपको मतलब था मैं वो बच्चे दे सकता हूँ? तो आपको क्या लगा कि मैं कह रहा हूँ कि आप वो बच्चे दे सकते हैं? कंफ्यूज हो गया मैं। कमाल है, डर गया एकदम। कमाल है। 1002? 1000 क्यों? रजिस्ट्रेशन के भाई क्या है, हम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बच्चे देते हैं ना। कई लोग आते हैं यहाँ, सबको नंबर दे देते हैं, जिनके लायक बच्चा आया उन्हें दे दिया। नहीं थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता भाई? हम बच्चे पैदा थोड़े ही करते हैं, ये तो क्या है यहाँ पर कोई छोड़ जाता है या तो हम कहीं से उठा लेते हैं। जब तक कोई छोड़ेगा नहीं हम उठाएंगे नहीं, तब तक कैसे बच्चे दे सकते हैं? नहीं पर 1000 रुपया तो बहुत ज्यादा है। अरे दे दो ना, एक ही बार तो देना है, नौकर तो हर महीने 1000 लेता है। ये बात तो ठीक है, ठीक है दे देता हूँ। ये लीजिए जी 1000 रुपया। ओके तो कब आऊँ? हम फोन करेंगे, नंबर लिखा है ना? हाँ हाँ दो दो लिखे हुए हैं। दो दो नंबर? नमस्ते। अच्छा तो फिर आप कब फोन करेंगे? 1-2 हफ्ते के बाद आके पता कीजिए। क्या कि हम कब फोन करेंगे? पंडित जी। हाँ जी मुसद्दी जी, मेरा बच्चा? नहीं अभी तो रजिस्ट्रेशन कराया, तो पता करने के लिए आया था कि कब मिलेगा। हाँ वो तो पटेल साहब बताएंगे। तो पटेल साहब कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये आपको उषा जी बताएंगे। क्या नंबर बच्चे का? नहीं नहीं कि पटेल साहब कहाँ है। मुझे क्या मालूम कहाँ गए हैं। तो किसको पता है? तो बता के थोड़ी जाते कहाँ जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ काम करती हैं तो आपको तो पता होगा ही ना। किसने कहा? किसने कहा मतलब कहने की क्या बात है, दिखता है कि आप काम करती हैं। ओ थैंक यू, सब तो कहते मैं काम ही नहीं करती। बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, दिखता है काम करती हैं आप, पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? ये काम मैं नहीं करती। लोग ठीक कहते हैं। क्या यही क्या आप काम नहीं करती? क्या यही तो? अरे आप इतना नहीं बता पा रही हैं कि पटेल साहब कहाँ मिलेंगे, पटेल साहब कहाँ मिलेंगे, इतना नहीं बता पा रही हैं आप। उषा जी ये फाइल है, ये बच्चे आउट और बच्चे इन दोनों की लिस्ट इसी में है। ओके ओके। पटेल साहब, पटेल साहब। हाँ सर जी, आपने मुझे पहचाना? नहीं जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल ढाका है। तो मैं आपसे मिलने के लिए आया था ना। क्यों? वो बच्चा लेने के लिए। तो मिला? नहीं नहीं आपने कहा था ना कि फोन करके बताएंगे कब देंगे। तो मैंने फोन किया। नहीं तो? तो फिर क्यों आ गए? नहीं वो पता करने के लिए आया था कि आप कब फोन करेंगे। ओह अच्छा अच्छा, कब बुक कराया था? यही 15 दिन पहले, मुसद्दीलाल ढाका। बच्चे का नाम है ये? नहीं नहीं मेरा नाम है। नहीं नहीं देखो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, हम क्लाइंट को नंबर से जानते हैं नाम से नहीं। आप रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे तो हम बता सकते हैं कि कब बुलाएंगे। एक सेकंड, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सर 2003। तो सिंपल 2003 में आओ। थैंक यू। 2003 में? हाँ मतलब एक साल बाद। हाँ अरे नहीं नहीं फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे घर पे तो आजकल नौकर भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको नौकर चाहिए कि बच्चा? नहीं बच्चा चाहिए। नहीं अभी आपने ये क्यों कहा कि नौकर नहीं है? पटेल साहब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मेरी बीवी जो है वो नौकर को बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करती थी, अब जब से वो चला गया है तब से मेरी बीवी बच्चे के लिए तरस गई है, तो अब या तो उसे कहती है नौकर चाहिए या कहती है बच्चा चाहिए। बहुत इमोशनल है आपकी बीवी मेरी तरह। यानी आप अगले हफ्ते आ जाइए। जी ठीक है, प्लीज़ जल्दी करा दीजिएगा पटेल। मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है सर, मैं अगले हफ्ते आता हूँ। देख के नहीं थूक सकते भैया? इतना टाइम नहीं कि देख के देखे भी और थूके भी। अच्छा तो बच्चा लेने की इतनी जल्दी है? नहीं भैया आपको क्या लग रहा है हम यहाँ बच्चा लेने आए? तो क्या देने आए हैं? नहीं भैया हम यहाँ बच्चा लेने नहीं आए। तो क्या थूकने आए थे? ना हम ना यहाँ बच्चा लेने आए हैं ना बच्चा देने आए, हम यहाँ बच्चा देते हैं। हो,
आप बच्चा देते हैं? हाँ, बच्चा देते हैं। अच्छा भाई, बच्चा देते हैं आप कितने बच्चे दे चुके हैं? अब गिनते नहीं है, रोज एक दो दे देते हैं। रोज एक आध बच्चा दे देते हैं आप? हाँ। आप कौन सा बच्चा देने की बात कर रहे हैं? आप कौन सा बच्चा देने की बात कर रहे हैं? मैं तो वो बच्चा देने की बात कर रहा हूँ जो औरतें बच्चा देती हैं। आपने, आपको शर्म नहीं आती? नहीं भैया, हम अनाथालय के बच्चे देते हैं, अनाथालय इंचार्ज शुक्ला। ओह सॉरी सॉरी, आप यहाँ काम करते हैं? अब हम आपका काम नहीं करेंगे। ऐसा मत कहिए। देखिए, आप पर हमको डाउटफुल पहले से था। देखिए, मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। अब तो हम आधा भी नहीं देंगे। ऐसा मत कहिए शुक्ला जी, प्लीज, बड़े दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन का नंबर अभी तक आया नहीं है। आपका तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल। ऐसा मत कहिए प्लीज। क्या बोले आप? प्लीज। फिर से बोलिए तो। प्लीज। बोलिए ना प्लीज। चलिए, आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया, हम आपको आइए डिलीवरी कम किचन इंचार्ज से मिलवा देते हैं। ये कौन है? भाटिया जी। बच्चा है ही नहीं सर, तो कहाँ से देंगे? भाई बच्चा निकालिए कहीं तो, फटाफट निकालिए। नहीं सर, है ही नहीं सर। आवाज आ रही है अंदर से, निकालिए आप। नहीं सर, वो चूहों की आवाज है, चूहों की, उनका मेटिंग सीजन चल रहा है। चूहों की जात का बताइए, हम क्या करें? अब मैं क्या बताऊँ, आप ही बताइए शुक्ला जी, आप ही यहाँ पे इंचार्ज हैं भाई। देखिए भाई, हम लोग डिपार्टमेंट बांट लेते हैं, फिर इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम जो करेंगे वो भाटिया जी करेंगे। भाटिया जी प्लीज, देखिए मेरी बीवी आपको दुआएं देगी, आप बच्चा दे दें। बच्चा है ही नहीं तो कहाँ से देंगे सर, आप बताइए कहाँ से। भाटिया जी खाना। हाँ मेरा बेटा, शाबाश। अब बेटा एक काम कर, जा कपड़े धो ले। बड़ा ही ट्रेंड बालक है। अरे बहुत ही ट्रेंड है, क्या कमाल के पराठे बनाता है, खा के देखिए शुक्ला जी। भाटिया जी बच्चा। भाटिया जी कब से बच्चे लगने लगे आपको? नहीं भाटिया जी तो बड़े हैं। हाँ तो बड़ों के बड़ों की तरह बात कीजिए ना। मतलब भाटिए जी। भाटिया जी अब आप इनको समझा दीजिए, आप भी समझने का प्रयत्न कीजिए भाटिया जी क्या कह रहे हैं, ठीक है? भाटिया जी समझाएं। अरे भाई पहले खाना तो समझ ले। ओके। हाँ, आप बोलिए कितने बच्चे चाहिए? कितने क्या, बस एक ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए क्या करेंगे, क्या बच्चों का क्या करेंगे, क्या पालेंगे उसको, माँ की ममता देंगे, बाप की बापता देंगे? वो तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे बच्चे की लाइफ के बारे में? उसको अच्छी शिक्षा देंगे। कहाँ? अच्छे अच्छे स्कूलों में। आपको पता है अच्छे अच्छे स्कूलों में शिक्षा देने के लिए 25,000 रुपए डोनेशन देनी पड़ती है? हम 50,000 तक दे देंगे। अच्छा, नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, 50 मत दीजिए, 25 दीजिए। ठीक है, दे देंगे। दीजिए क्या? 25,000 रुपए स्कूल में दूंगा। अरे वो तो तब देंगे जब बच्चा मिलेगा। हाँ तो दीजिए। तो आप लाइए ना बच्चा। अरे आज पहले आप लाइए ना। मैं क्या लाऊं? 25,000 रुपए आपको दूं? हाँ। काहे का? डोनेशन का। अरे वो तो जब स्कूल में भर्ती करूंगा तब दूंगा ना। अरे पहले बच्चे के यहाँ से निकलने का तो दीजिए। अच्छा, मतलब आप बच्चा गोद में नहीं देते, बच्चा बेचते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ये डोनेशन है, आप जैसे सेठ लोगों की वजह से तो ये अनाथालय चल रहा है। तो ऐसे नहीं देंगे ना? क्या? अरे देखिए, आपकी डिमांड की वजह से हम सप्लाई कर रहे हैं, वरना तो बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा बीवी से पूछ लीजिए। हाँ। अरे मुझसे क्या पूछना, ले आओ, 2 साल के बाद तो वो फ्री में पड़ेगा। अच्छा। हाँ देखो, 24 घंटे के नौकर है ना, वो 1500 से कम नहीं लेते, और ये तो 1000 में पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, चल चल के फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो चलो। एकदम उचित समय पर उचित निर्णय लिया है आपने, बिल्कुल फ्रेश बच्चा आया है। अच्छा। बिल्कुल आपकी शक्ल का है। मुझे तो लगता है इनका ही है वो। अच्छा। क्या? तू चुप कर, बुलाओ जी बुलाओ, बच्चा बुलाओ, आवाज आ रही है। भाटिया जी जरा पांडे जी कहिए बच्चा लेके आए। अरे पांडे जी। जी। अरे यार वो जो फ्रेश पीस आया ना, वो लिया जरा। अभी हमारे पांडे जी ला रहे हैं, एकदम गोरा चिट्टा है, भाभी जी आपको तो बहुत पसंद आएगा। ये लो बच्चा, एकदम रॉयल फैमिली का गया। देखिए आप, देखिए 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 देखिए, शक्ल भी मिलती है, शक्ल भी मिलती है। ये बच्चा, देखो ऐसा लगता है कि आप ही को देख रहा है आंख बंद करके, है ना? अरे पप्पा जी, बेटा पप्पा जी। नहीं नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए ना पांडे जी, वो जो तीसरा नंबर का मॉडल है ना, वो लिया जा रहा था प्लीज। तीसरे नंबर का मॉडल, वो तो बिल्कुल भाभी पे गया है। अरे हाँ, मुझे लगता है वो भाभी जी का ही है। अच्छा? क्या? अरे अरे, एकदम लगेगा ही नहीं कि आपने उसको कभी गोद भी लिया है। ये रहा मॉडल नंबर 3। देखिए 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 देखिए, बिल्कुल भाभी पे गया है ना, है ना सतीलाल जी? मुझे लगता है इसको सलवार कमीज पहनाएंगे ना तो भाभी जी छोटे होके ऐसा ही दिखेगा। अरे देखिए देखिए, देख रहा है, पहचान रहा है आप लोग को। सतीलाल जी मुबारक हो, तो फिर एंट्री कर ही देते हैं। अरे नहीं भाई, मुझे इतना छोटा बच्चा नहीं चाहिए। तो
तो और कितना छोटा बच्चा चाहिए? भैया हमारे पास इससे छोटा बच्चा है ये नैना। लेकिन मुझे छोटा बच्चा नहीं चाहिए। तो क्या मोटा बच्चा चाहिए? नहीं नहीं, छोटा मोटा बच्चा नहीं चाहिए, मैं बड़े बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। तो पापा हमें गोद ले लो ना प्लीज। क्या? हाँ पापा, जब से पैदा हुआ हूँ इसी अनाथालय में पड़ा हूँ पापा, बस यही नौकरी कर ली, कोई गोद ही नहीं ले गया, कोई गोद ले लो ना प्लीज पापा। आई थिंक ही इज राइट। क्या है, इसे पले पलाए माँ बाप मिल जाएंगे और आपको रेडीमेड बच्चा मिल जाएगा। खाने पीने का भी कोई खर्चा नहीं है, खाने को सिर्फ पान और पीने को सिर्फ कंट्री लिखकर। क्या बोलो, कराए एंट्री? अरे नहीं भाई, मुझे इतना बड़ा बच्चा गोद नहीं लेना है। अरे तो भाभी ले लेंगी। नहीं भाई। पापा आप हमें गोद ले लो ना प्लीज। देखिए सुनिए, मुझे यही कोई 7-8 साल का बच्चा गोद लेना है। अच्छा भाई देखो, वो तो महंगा पड़ेगा। क्यों? हाँ भाई, उसके 15,000 और देने पड़ेंगे। पर क्यों देने पड़ेंगे? 8 साल पालने का खर्चा। इतने साल पाला, खिलाया पिलाया, अब सब कैलकुलेट करेंगे तो ना, ना ना ना, हमें ये सब चाहिए नहीं, हमें तो बस इसी में खुशी मिलेगी कि बच्चे को माता पिता मिल जाए। नहीं लेकिन मैं 15,000 रुपए और तो नहीं दूंगा। ठीक है मत दीजिए, आपकी मर्जी, पर दे देते तो दो बातें हो जाती, या तो हम आपको बच्चा देते या तो नहीं देते। नहीं देते ऐसा तो सवाल ही नहीं होता, और दे देते तो दो बातें होती, या तो आप बच्चे को बच्चे की तरह रखते या तो नौकर की तरह रखते। बच्चे की तरह रखते ऐसा लगता नहीं है मुझे फ्रेंकली, और नौकर की तरह रखते तो भाई साहब आजकल इतने सस्ते नौकर मिलते नहीं है, मैं तो कहता हूँ रख लीजिए काम आएगा। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, आजकल मतलब क्या है कि हमें सब पता है, हम रोज लोगों को बच्चा देते हैं। ठीक है तो फिर मैं दे दूंगा 40,000। आपको ऐसा ट्रेंड बच्चा दिखाएंगे कि एक काम बोलोगे तो दो कर देगा। दिखाइए। देख लो भैया, ये हैं बच्चे, ये नंगड़ू, ये टेंगड़ू, वो गोविंदा, नाश्ता बहुत अच्छा है, और वो पिल्लू, वो शाहरुख, और ये वाला सन्नी है बहुत फन्नी, और ये अपना टिल्लू। क्या खाना बनाता है। और चंपी भी क्या करता है, ये कपड़े भी अच्छे धोता है और सफाई बहुत साफ करता है, और टिल्लू कभी शैतानी नहीं करता। तो बस यही बच्चा दे दो, इसके 10,000 एक्स्ट्रा। अरे भाई हमारे इतने काम का बच्चा लेके जा रहे हो, इतना तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा ना। अरे इतने ज्यादा नहीं दूंगा, पहले 25 कहा था फिर 40, अब कह रहे हो 50। हाँ तो ठीक है, 40 में चाहिए ना तो टंगड़ू ले जाओ। क्या? हाँ 39 में पप्पू भी दे देंगे। टिल्लू का 50 लगेगा पूरा। चलो ठीक है, दिए, हमने भी दिया। और अब 50,000 ढीले कर दो। हाँ हाँ 50,000 भी ढीले कर देता हूँ। ये लीजिए 50,000। तो लो भाई, ये बच्चा हो गया आपका टिल्लू बेटा, अब ये तुम्हारे पापा। हाँ बहुत कहा करते थे ना मेरे पापा कब आएंगे कब आएंगे, आ गए आपके बाप। ये बाप थोड़ी है, ये तो मालिक है। क्या? हाँ, और आपने बेटा नहीं नौकर खरीदा है ना? देखो बेटा वो मैं... घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ नौकर बन के ही रहूंगा, कम से कम ये घर में तो रहूंगा, तुम्हारा सारा काम करूंगा, कपड़े धोऊंगा, पैर दबाऊंगा, जूते पॉलिश करूंगा, जो बोलोगे करूंगा, जो दोगे खा लूंगा, पर आप मुझे मम्मी पापा कहने दोगे ना? बोलो पापा, पापा बोलो। हाँ बेटा तुम मुझे पापा कह सकते हो, तुम मेरे बेटे हो ना, तुम तो मेरा वंश आगे चलाओगे, क्यों मंथरा? पर पता नहीं किसका खून है। अरे जिसका भी खून है हमसे तो ज्यादा अच्छा ही है, हम तो नौकर लेने के लिए आए थे, बेटा मिल गया हमें। आ जा बेटा, लो भाई ये 10,000 रुपए और लो, और पार्टी कर लेना, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये 10,000 रुपए तो हम पार्टी के जरूर लेंगे, लेकिन ये 50,000 रुपए आप वापस ले लीजिए। क्या? हाँ आप तो नौकर खरीदने आए थे, बेटा तो हम फ्री में देते हैं ना। ये 50,000 रुपए इन बच्चों पर खर्च कर देना, और दुआ करना ऊपर वाले से कि उसने इन बच्चों के भी माँ बाप कहीं पैदा किए। चले बेटा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।